अक्षय कुमार की मच अवेटेड मेगा बजट फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को रिलीज के लिए सेट है। फिल्म के आगे कोई खड़ा होने की हिम्मत तक ना कर सके, इसके लिए मेकर्स और अक्षय ने एक जबरदस्त तरकीब अपनाई। हालांकि ऐसा लगता है कि अक्षय और रोहित की तरकीब से हॉलीवुड को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए क्योंकि जहां पहले खबरें थी कि एटर्नल्स की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है, तो वहीं आ गया है मार्वल का फैसला। हो गया है ऐलान कि दिवाली मतलब दिवाली, यानी कि सूर्यवंशी और एटर्नल्स के बीच होने वाला क्लैश अब कोई नहीं रोक सकता। दिवाली वाले दिन अक्षय के सामने हॉलीवुड को हराने की चुनौती होने वाली है। आपको बता दें कि डिज्नी इंडिया ने 2021 से लेकर 2022 तक की सारी डेट्स लॉक कर डाली है और अपनी कई फिल्मों के रिलीज का ऐलान भी कर डाला है, जिसमें से सबसे पहली फिल्म एटर्नल्स होगी, जिसका सीधा सामना अक्की की सूर्यवंशी के साथ तय है। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि सिनेमाघरों में 100% स्क्रीन स्पेस मांगने की बात थी, एटर्नल्स पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि मार्वल को अपनी मूवी पर आंख बंद करके भरोसा है कि बिजनेस के मामले में ये मूवी किसी को भी मात दे देगी। हालांकि वही बात करें सूर्यवंशी की, तो खबरें ये थी कि एटर्नल से सूर्यवंशी की कमाई को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्यवंशी का क्रेज मार्वल की फिल्म से कम नहीं। ऊपर से रोहित शेट्टी की कॉप वर्ल्ड मूवी हमेशा से ही हिट रही है। एक मूवी के साथ रोहित एक जबरदस्त स्टोरी और एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा रखते हैं। क्या सूर्यवंशी के साथ रोहित ने क्या कुछ किया है, ये जल्द ही पता चलेगा, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को तो बम्पर रिस्पांस मिला ही। लेकिन अब फिल्म के बम्पर रिस्पांस में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी, जब फिल्म थिएटर्स का रुख करेगी और जनता पिक्चर देखने जाएगी, तब पता चलेगा कि आखिर दिवाली के दिन बॉक्स ऑफिस पर किसका सिक्का चलता है। बी टाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियां, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।